हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। आई एम करण सरदाना। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी ऑनगोइंग एंड अपकमिंग एग्जाम है उनके बारे में। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी फ्रेशर होंगे और उन्हें अभी पता नहीं होगा कि कौन कौन से एग्जाम्स हो रहे हैं और किस किस में वो एलिजिबल हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे एग्जाम्स आउट हो गए हैं ऑलरेडी और आगे भी विद इन 6 मंथ्स बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं। तो मेन एग्जाम जो होते हैं, जिसके लिए स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं, आज मैं आपको वो सारे बताने वाला हूं। सो लेट्स स्टार्ट। हम पहले बात करेंगे एसबीआई क्लर्क के बारे में। सो स्टूडेंट, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 5000 से ज्यादा वैकेंसीज निकली हुई है। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन है, कोई भी परसेंटेज नहीं चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो एज लिमिट है वो 20 to 28 है, तो जल्दी से इसे अप्लाई कर दीजिए। एंड जो इसको लास्ट डेट इसको अप्लाई करने की है वो है 27 सितंबर। तो स्टूडेंट, अभी टाइम है आपके पास, इसे अप्लाई कर दीजिए जल्दी से ताकि इसकी लास्ट डेट मिस ना हो जाए। अगर आपकी एज लिमिट 20 to 28 के बीच में है, ग्रेजुएशन आपके पास है, तो इन 5000 वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपके पास नबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट। कल ही इसका नोटिफिकेशन आया है। नबार्ड हमारी एग्रीकल्चर की रेगुलेटरी बॉडी है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स डेवलपमेंट असिस्टेंट एक तरह से क्लरिकल पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। यहाँ पे जो एज लिमिट है मिनिमम भी बहुत कम है और मैक्सिमम वाले भी ज्यादा है। तो जो एज लिमिट है वो 18 to 35 years है। इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो कल से ही स्टार्ट हो गए हैं, 15 सितंबर से एक्चुअली स्टार्ट हो गए थे। एंड यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 177 है। एंड जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन है, तो इसे जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, राइट। एंड स्टूडेंट, अगला एग्जाम है एफसीआई मैनेजर। सो एफसीआई के अंदर यहाँ पे 113 वैकेंसीज आई थी। काफी सारी अलग अलग तरह की पोस्ट इसमें निकलती हैं, जैसे जनरल मैनेजर के लिए यहाँ पे निकलती है, डिपो के लिए निकलती है, टेक्निकल के लिए निकलती है, अकाउंट्स के लिए निकलती है। तो स्टूडेंट्स, आप ये सारे जो है इन सब में से देख लीजिए किसके लिए आप एलिजिबल हैं। इसको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 26 सितंबर है। तो स्टूडेंट, लास्ट डेट आने वाली है, आपके पास बहुत सारे एग्जाम है, जल्दी से आप इनके लिए अप्लाई कर दीजिए। और स्टूडेंट, इन सब के जो है हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, तो आप उसको ले सकते हैं जिसमें आप एलिजिबल हैं उसके हिसाब से। एंड स्टूडेंट, इन सब की डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो हमारे चैनल पे आपको सबकी मिल जाएगी। आप एसबीआई क्लर्क, नबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट, एफसीआई मैनेजर, इन सब की देखना चाहें तो आपको दिख जाएगी। नेक्स्ट इज आईबीपीएस एसओ। आईबीपीएस के अंदर एक एग्जाम होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। तो ये जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर है ये स्पेशली जो प्रोफेशनल है उनके लिए होता है। जैसे इसमें आईटी ऑफिसर की वैकेंसी आती है फॉर आईटी बैकग्राउंड पीपल, एएफओ की वैकेंसी आती है एग्रीकल्चर वालों के लिए, ऐसे इसमें लॉ ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसी होती है, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये वाली सारी जो वैकेंसीज है आप इनके बारे में देख सकते हैं। इसमें राजभाषा भी आता है, तो इस टाइप से आपको यहाँ पे मार्केटिंग, एचआर ऑफिसर सारे मिल जाते हैं। और इसका जो एग्जाम जो है, ये आपका एग्जाम होगा स्टूडेंट दिसंबर एंड में, और इसका नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है। इसका नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर एंड के अंदर मिलेगा। तो स्टूडेंट, आप अगर प्रोफेशनल हैं, जो आपने इनमें से कोई ऐसी डिग्री की हुई है जो इससे रिलेटेड है, तो आपके लिए ये भी एक बहुत बढ़िया मौका है जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट। इनकी जो एज लिमिट है मोस्टली 30 होती है। बाकी आप इसमें जो ज्यादा जानकारी है हमारी, अलग अलग आपको सारे जो ये सेक्शन है इनकी वीडियो मिल जाएगी। लॉ के लिए हमारा एक लीगल भी चैनल है, तो आप उसे देख सकते हैं, स्पेशली फॉर ऑल लीगल एग्जाम। एंड स्टूडेंट, एएफओ के लिए हमारा एग्री भी एग्जाम है, एग्री भी चैनल है, आप उसे देख सकते हैं। अगला एग्जाम है स्टूडेंट आरबीआई ग्रेड बी। तो हमारा एक चैनल है स्टूडेंट टारगेट आरबीआई, स्पेशली डेडिकेटली फॉर दिस एग्जाम एंड रेगुलेटरी बॉडी, आप उसे देख सकते हैं टारगेट आरबीआई को। तो आरबीआई ग्रेड बी के बारे में सुशील लगड़े सर ने एक रिसेंटली इसकी वीडियो बनाई थी अबाउट इट्स नोटिफिकेशन इन 2023। तो इसका जो 2023 में जो नोटिफिकेशन आएगा वो एक्सपेक्टेड है कि फेब के अंदर आपके पास आता है। इसमें जो मैक्सिमम एज होती है वो 30 होती है, 21 से लेके 30 इसकी एज होती है, और ग्रेजुएशन इसके अंदर चाहिए होती है विद 60% मार्क्स, राइट। एग्रीगेट आपको चाहिए होता है इसके अंदर, और फेब में इसका नोटिफिकेशन आएगा। और इसका जो फेज वन है वो आपका एक्सपेक्टेड है अप्रैल के अंदर, और इसका जो फेज टू है वो आपका एक्सपेक्टेड है मई के अंदर।
तो दीज आर द डेट्स फॉर आरबीआई ग्रेड बी जो एक्सपेक्टेड है। आरबीआई तो बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है, तो इसकी आप तैयारी कर सकते हैं, अगले 5-6 महीने में इसका एग्जाम हो जाएगा। एंड स्टूडेंट अगला एग्जाम है सेबी ग्रेड ए, तो सेबी ग्रेड ए के बारे में हमारे सर सुशील लगड़े सर ने इसकी डेट्स भी मेंशन कर दी हैं। ये पहले आएगा स्टूडेंट, ये आपका जनवरी फर्स्ट वीक के अंदर ही इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा या दिसंबर एंड के अंदर तो इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और इसके जो एग्जाम है वो आपके फेब और मार्च के अंदर होंगे, फेज वन फेज टू एक्सपेक्टेड है। तो आरबीआई फेब में नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है और सेबी का जनवरी फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। सेबी ग्रेड ई के अंदर कई टाइप की वैकेंसी निकलती है, जैसे इसमें जनरल के जनरल ऑफिसर के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकलती है, ऐसे यहाँ पे आईटी के लिए निकलती है, लीगल के लिए निकलती है, और भी कई टाइप की यहाँ वैकेंसी निकलती है, रिसर्च के लिए निकलती है, तो आप इन सबको देख सकते हैं एज पर द एलिजिबिलिटी। सारी वीडियोज आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, आप इनकी डिटेल वीडियो देख सकते हैं कि इनमें एग्जाम पैटर्न क्या है, सब कुछ आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। एक और एग्जाम है स्टूडेंट जो यहाँ पे है, दैट इज एसबीआई पीओ। तो एसबीआई पीओ जो है वो रह गया है, क्योंकि देखिए आईबीपीएस क्लर्क भी हो गया है, आईबीपीएस पीओ का एग्जाम होने वाला है, वो ऑलरेडी आउट हो गए हैं, उनकी तो आप डेट चली गई है तो नहीं भर सकते। एसबीआई क्लर्क मैंने आपको बता दिया कि वो चल रहा है और एसबीआई पीओ आने वाला है, तो ये विद इन वन मंथ आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और ये मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में इसका एग्जाम होगा, तो इसके बारे में आपको जो भी जानकारी आएगी वो बता दी जाएगी। सो स्टूडेंट ये थे सारे एग्जाम्स के बारे में, एंड स्टूडेंट वी हैव स्पेशल ऑफर टुडे, दैट इज बिग बी डेज। आज इसका आखिरी दिन है इस ऑफर का, दिस इज द बिगेस्ट ऑफर इन द होल ईयर जो हम लोग देते हैं, दैट इज बिग बी डे। तो इसका सिर्फ आज आखिरी दिन है अप्लाई करने का, कूपन कोड आप अप्लाई करिए बी डे अगर आप किसी भी हमारे ऑनलाइन कोर्स में आते हैं। मैंने लगभग आपको 8-9 एग्जाम बता दिए स्टूडेंट जो आ रहे हैं, आ चुके हैं, आने वाले हैं। एसबीआई क्लर्क मैंने आपको बताया, नबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट बताया, एफसीआई मैनेजर है, इसके अलावा एसबीआई पीओ जस्ट आने वाला है, आईबीपीएस एसओ जस्ट आने वाला है, आरबीआई फेब में आएगा, और सेबी जो है वो आपका जनवरी में आ जाएगा नोटिफिकेशन। तो इतने सारे एग्जाम है स्टूडेंट जो आपके आ रहे हैं, सो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है स्टूडेंट्स, इस टाइम बहुत सारे एग्जाम्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर, लॉ रिलेटेड, जनरल ऑफिसर, रेगुलेटरी बॉडी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सारे एग्जाम के कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है विद बेस्ट कॉन्टेंट, क्रिस्प कॉन्टेंट, क्यूरेट कॉन्टेंट, आपको कंसाइज चीजें यहाँ पे मिलती हैं और आपको बेस्ट फैकल्टी मिलते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। सो लास्ट डे है, इसे ज्वाइन कर लीजिए, कूपन कोड है बी डे, 57% ऑफ आपको मिल जाएगा। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट फॉर योर प्रिपरेशन। अगर आपको किसी एग्जाम के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप कॉमेंट में लिख के बताइए, एंड दिस इज अवर कॉन्टेक्ट नंबर 9205524028। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।